एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल कमल एकेडमी कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा और आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, MS Word 10। आज हम इसमें MS Word में टेबल्स के बारे में, टेक्स्ट बॉक्सेस, 3D इफेक्ट्स, स्मार्ट आर्ट एंड वर्ड आर्ट की स्टडी करेंगे। सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अ टेबल, अप्लाई टेबल स्टाइल, फॉर्मेट टेबल्स एंड क्रिएट ब्लैंक टेबल्स। व्हाट इज टेबल? टेबल क्या होती है? टेबल एक ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज इन रॉज एंड कॉलम्स। ग्रिड होती है रॉज एंड कॉलम्स के अरेंजमेंट की, यानी कि रोज आपकी होती हैं हॉरिजेंटली और कॉलम्स आपके होते हैं वर्टिकली। क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइड टेबल्स, वी कैन क्रिएट टेबल इन एन MS Word डॉक्यूमेंट और जो टेबल है वही इंसर्ट होगी जहाँ हमारे कर्सर का पोजीशन हमने सेट की है। ब्लैंक टेबल इंसर्ट करने के लिए हम स्टेप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा इंसर्शन पॉइंट मींस कर्सर, आप अपने कर्सर को पहले वहाँ प्लेस रख करेंगे, वो वहाँ सेट करेंगे डॉक्यूमेंट में जहाँ आपको टेबल इंसर्ट करनी है। देन वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, रिबन के ऊपर जो इंसर्ट टैब है उस पर क्लिक करेंगे, उसमें टेबल कमांड पे क्लिक करेंगे। बहुत सारे कॉलम्स आपको शो होंगे, जैसे जैसे हम उसके ऊपर हमारे माउस को जितने कॉलम्स और जितनी रोज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमारा माउस उसके ऊपर लेके जाते हैं, वो हाईलाइट होता जाता है और जितना हाईलाइटेड है उतना ही हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होता जाता है। जितना हमें चाहिए, जितने हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉलम्स एंड रोज सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे तो वो टेबल हमारे उसमें डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। हम इंसर्शन पॉइंट को उसमें वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ पर अब हमें टेक्स्ट एंटर करना है। टू इंसर्ट रो, हमने टेबल क्रिएट कर ली है उसके अंदर यदि हमें रो इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले हम हमारे इंसर्शन पॉइंट को उस रो के नीचे लेकर जाएंगे जिसमें हमें इंसर्ट करनी है रो। देन राइट क्लिक करेंगे माउस से तो एक मेन्यू आएगा, उसमें सेलेक्ट इंसर्ट रोज अबोव पे क्लिक करेंगे। यदि हमें ऊपर की साइड में उस जहाँ हमारा इंसर्शन पॉइंट है उसके ऊपर रो इंसर्ट करनी है तो अबोव वाला ऑप्शन लेंगे, उसके नीचे इंसर्ट करनी है तो बिलो वाला ऑप्शन लेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे इसमें रो अपने आप इंसर्ट हो गई है। टू इंसर्ट अ कॉलम, सेम यदि हमें रो की तरह ही कॉलम भी इंसर्ट करना है तो हम सबसे पहले जो उसके पास वाला कॉलम है जहाँ पर हमें इंसर्ट करना है हम उस कॉलम में जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम राइट क्लिक करेंगे माउस से तो जो मेन्यू आएगा उसमें इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट और इंसर्ट कॉलम टू द राइट के ऑप्शन में से हमारी इच्छा के अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो कॉलम अपीयर हो जाएगा। टू डिलीट अ रो और कॉलम, हम यदि मान लीजिए कोई भी कॉलम या रो डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस रो या कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, उस पर राइट क्लिक करेंगे, जो मेन्यू अपीयर होगा उसमें हम डिलीट सेल्स बटन पे क्लिक करेंगे तो वो रॉ या कॉलम वहाँ से डिलीट हो जाएगी। यूजिंग मर्ज, यदि हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक साथ कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक ही सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लार्ज सेल बनाना चाहते हैं तो हम मर्ज का ऑप्शन लेते हैं। वी कैन मर्ज सेल्स रो वाइज और कॉलम वाइज, हम रो वाइज भी उसे मर्ज कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी। इनफैक्ट वी कैन ऑल्सो बट वी कैन नॉट मर्ज सेल्स डायगनली, हम जो हमारी सेल्स है उसको डायगनली मर्ज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मर्ज करने के लिए वो सेल सेलेक्ट करनी होगी, फर्स्ट सेल या फर्स्ट रो जिसको हमें मर्ज करना है। देन वी विल क्लिक ऑन लेआउट टैब एंड देन मर्ज सेल्स बटन, जो मर्ज ऑल द सेल्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी हमने सेलेक्ट किए हैं वो सेल्स मर्ज हो जाएंगी। उसके बाद हम हमारे टेक्स्ट का जो कंटेंट है हमारा टेक्स्ट है उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी उसे अलाइन कर सकते हैं इन सेंटर फॉर द हेडिंग। स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स, मर्ज का मतलब था हमने दो सेल्स को एक साथ एक ही सेल में मर्ज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया,
बट स्प्लिट का मतलब है आप एक सेल को या एक टेबल को एक से ज़्यादा सेल्स या एक से ज़्यादा टेबल में तोड़ रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे माउस के पॉइंटर की पोजीशन रो में कहीं भी हम सेट कर देंगे, लेकिन उसी रो में करेंगे, फर्स्ट रो में जिसको हमें स्प्लिट करना है। देन वी विल क्लिक ऑन लेआउट टैब एंड स्प्लिट टेबल बटन। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे वो हमारी जो टेबल है वो दो टेबल में स्प्लिट हो जाएगी, और जो हमारी फर्स्ट रो है वो एक मेन हेडिंग की तरफ, फर्स्ट रो दोनों में कॉमन हो जाएगी। हम चाहें तो हम हमारी सेल्स को और भी ज़्यादा स्प्लिट कर सकते हैं, कॉलम्स को और रोज़ को। टू अप्लाई अ टेबल स्टाइल, हमें हमारी टेबल को यदि और ज़्यादा एट्रैक्टिव और स्टाइलिश बनाना है तो हम टेबल स्टाइल बटन को चूज़ करेंगे। सबसे पहले हम हमारे डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे, देन वी विल क्लिक ऑन टेबल स्टाइल्स। उसके जो ड्रॉप डाउन एरो है उसके अंदर सारी टेबल स्टाइल्स आ जाएंगी। जैसे जैसे हमारे माउस को हम उस पर मूव कराते जाते हैं वैसे वैसे हमारे टेबल का जो प्रीव्यू है वो हमारे डॉक्यूमेंट में शो होता जाता है। हम हमारे अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए वो टेबल स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तो वो टेबल स्टाइल अपने आप हमारे डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगी। एडिंग बॉर्डर, यदि हमें बॉर्डर या शेडिंग करनी है हमारे टेबल में तो हम सबसे पहले डिज़ाइन टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम हमारे उसके बॉर्डर की लाइन स्टाइल, लाइन वेट, विड्थ, पेन कलर सब सेलेक्ट करेंगे। बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स हमें शो होते हैं। जो बॉर्डर स्टाइल हमें चाहिए हम उस बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी टेबल है उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। यदि हमें शेडिंग्स देनी है तो हम फिर से डिज़ाइन टैब पे क्लिक करके शेडिंग ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो जो शेडिंग ऑप्शन है वो सेलेक्ट करते ही हमारे बॉर्डर्स पे शेडिंग ऐड हो जाएगी। टेक्स्ट बॉक्सेस, कई बार यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारे डॉक्यूमेंट में एक अटेंशनली इंसर्ट किया जाए स्पेसिफिक टेक्स्ट के फॉर्म में, तो हम और उसे हम हमारे डॉक्यूमेंट में कहीं भी मूव कर सकें, उसे सेलेक्ट करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो हम उस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, देन वी विल क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स कमांड इन द टेक्स्ट ग्रुप। इंसर्ट टैब पर टेक्स्ट बॉक्स कमांड है जो टेक्स्ट ग्रुप में उसको सेलेक्ट करेंगे। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही हम हमारे माउस को ड्रैग करते हुए टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम टाइप कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इंसर्शन पॉइंट जहां हमें टाइप करना है वहां लाकर वह स्टार्ट कर देंगे टाइपिंग। टू मूव अ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जो उसकी एजेस हैं टेक्स्ट बॉक्स की वो जो पॉइंटर है वो क्रॉस एरो से कन्वर्ट हो जाता है। क्रॉस एरो बनते ही हम उसे ड्रैग करके जिस भी लोकेशन पे हमारे पेज की लेकर जाना चाहते हैं हम वहाँ पर उसे मूव कर सकते हैं। चेंजिंग अ टेक्स्ट बॉक्स अपीयरेंस, हमें हमारे टेक्स्ट बॉक्स की अपीयरेंस को चेंज करना है कि वो किस तरह से शो होगा, उसका लुक कैसा होगा। तो हम सबसे पहले हमारे टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, देन जैसे हम सेलेक्ट करेंगे एक फॉर्मेट टैब अपीयर होगा, उसमें हम एडिट शेप कमांड पर जाएंगे। शेप कमांड पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें शेप्स नज़र आएंगे। हम उस पर क्लिक करके जो हमारे डिज़ायर्ड शेप है उसे सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट में से। टू चूज़ अ शेप स्टाइल, यदि हमें शेप स्टाइल चूज़ करनी है तो हम उस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टैब आएगा, उस फॉर्मेट टैब पर जाके शेप स्टाइल ग्रुप पर जाएंगे। जितने भी शेप स्टाइल्स हैं हम उसके अंदर उसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे जैसे हम उसको सेलेक्ट करेंगे वैसे वैसे हमारे टेक्स्ट बॉक्स का शेप चेंज होता जाएगा। जो स्टाइल हमें चाहिए उस पर क्लिक करके उसे चूज़ कर लेंगे। टू चेंज शेप फिल्स, यदि हमें शेप फिल्स भी देनी है, हमारी जो शेप उसको फिलिंग भी करना है, तो हम सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, देन वी विल क्लिक ऑन शेप फिल कमांड फ्रॉम द फॉर्मेट टैब। जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा उसमें बहुत सारी लिस्ट होंगी कलर्स की, हम उस कलर्स को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो उसी कलर से फिल हो जाएगा। यदि हमें हमारे टेक्स्ट बॉक्स को शेडो इफेक्ट्स देने हैं तो हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टैब अपीयर होगा, उसमें हम शेप इफेक्ट कमांड को क्लिक करेंगे, देन वी विल क्लिक ऑन क्लिक शेडो। हम उस पर क्लिक करते ही हम जितने भी शेड्स हैं उसके शेडो वाले ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। जैसे जैसे हम माउस को उसके ऊपर लेके जाते रहेंगे वैसे वैसे हमें हमारे टेक्स्ट बॉक्स का जो शेड्स हैं वो शो होते जाएंगे, प्रीव्यू दिखता जाएगा। जो हमें हमारी इच्छा अनुसार सेलेक्ट करना है उसे क्लिक करके उस शेडो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। 3D इफेक्ट्स जिस तरह से अलग टाइप की शेप्स हैं टेक्स्ट बॉक्सेस को दे सकते हैं, उसी तरह हम 3D इफेक्ट्स भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। दो टाइप के इफेक्ट्स होते हैं जो हमारे हम शेप्स को दे सकते हैं, 3D रोटेशन एंड बेवेल। 3D रोटेशन गिव्स द अपीयरेंस दैट वी आर व्यूइंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। जो 3D रोटेशन है उससे क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट एंगल में हमें शो होता है, व्यू होता है, और ये हम किसी भी शेप में अप्लाई कर सकते हैं। जो बेवेल है वो हमारी जो एजेस हैं जो उसके कॉर्नर्स किनारे हैं शेप्स के उनको वो थिकनेस एक अलग से थिकनेस और एक राउंडेड कॉर्नर्स उसके शेप को दे देता है, लेकिन ये हर शेप के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। यदि हमें 3D रोटेशन देना है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, शेप इफेक्ट्स पे जाएंगे, शेप स्टाइल ग्रुप के अंदर, देन 3D रोटेशन पे क्लिक करेंगे तो आप प्रीव्यू देखेंगे उसी तरह से हमें वो अलग एंगल में डिफरेंट टाइप के एंगल में व्यू हो जाएगा। यूज़ बेवेल उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, शेप इफेक्ट्स में जाएंगे, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा उसके अंदर हम बेवेल वाले ऑप्शन में देखेंगे, जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं उससे अलग टाइप का अलग अलग टाइप के हमारा जो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो भी शो हो रहे हैं और अलग अलग टाइप के उसकी एक अलग से थिकनेस भी दिख रही है। तो हम जो जिस स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू से वही हमारे टेक्स्ट पे इफेक्ट होगा। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट हमें हेल्प करता है एक विजुअली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन के लिए। सिंपली टेक्स्ट हम जो यूज़ करते हैं उसकी जगह हम यदि उसको मोर प्रेजेंटेटिव इफेक्ट्स देना चाहें हमारे जो टेक्स्ट है उसको तो हम स्मार्ट आर्ट यूज़ करते हैं। मोस्टली क्या होता है हम यदि कोई इलस्ट्रेशंस दिखाना चाह रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट में तो स्मार्ट आर्ट का यूज़ किया जाता है। उसको अप्लाई करने के लिए हम इंसर्शन पॉइंट प्लेस करेंगे डॉक्यूमेंट में जहाँ हम उसे इंसर्ट करना है, देन वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, देन स्मार्ट आर्ट कमांड इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाके स्मार्ट आर्ट कमांड पे क्लिक करेंगे तो जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें से हम जो भी इच्छा है हमारी उसके अकॉर्डिंग हमारे पसंद के अकॉर्डिंग स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करके उसे ओके क्लिक कर देंगे। यदि हमें स्मार्ट आर्ट में ग्राफिक में टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए हमें स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर लिया है वैसे वहाँ क्लिक करते ही एक बॉक्स बना आएगा जिस बॉर्डर में एक बॉक्स उसके ऊपर अंदर एक बॉर्डर बना होगा। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो एक टास्क पैन ओपन होगा। उस टास्क पैन में जाने के बाद में से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बुलेट्स भी शो होंगे तो जहाँ वो टेक्स्ट है टेक्स्ट हम एंटर करते जाएंगे और जहाँ बुलेट्स हैं उसके अंदर हम उसका जो हायरार्की स्ट्रक्चर है उसी को एंटर उसी के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को एंटर करते करते हम हमारा जो स्मार्ट आर्ट है उसके अंदर भी वो शो हो जाएगा। हम उसको फिट भी कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, और यदि न्यू शेप देना चाहें तो न्यू शेप भी दे सकते हैं। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, यदि हमारे टेक्स्ट को हमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स देना होता है डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए हम वर्ड आर्ट यूज़ करते हैं। वर्ड आर्ट मोस्टली हम हमारे पेज कवर की हेडिंग या हमारे डॉक्यूमेंट की हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमें फॉर एग्जांपल इफ़ वी कैन स्क्रैच अ टाइटल, स्ट्रेच अ टाइटल, स्क्यू टेक्स्ट, मेक टेक्स्ट, फिट अ प्रीसेट शेप और अप्लाई अ ग्रेडियंट फिल, ये सारे ऑप्शन हम वर्ड आर्ट में यूज़ कर सकते हैं। वर्ड आर्ट यूज़ करने के लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना होगा, उसके अंदर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना होगा, एक फॉर्मेट टैब अपीयर होगा, उसमें हम जाएंगे तो क्विक स्टाइल कमांड वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में होगा, उस पर क्लिक करते ही वो अपीयर हो जाएगा। इंसर्ट पिक्चर और क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट
प्रीडिफाइंड पिक्चर्स होती हैं जिससे हम ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में। उसके लिए हमें इंसर्ट टैब पे जाना होगा, क्लिप आर्ट कमांड पे इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाके सेलेक्ट करना होगा। जो टास्क पेन है उसमें बहुत सारे टाइप के क्लिप आर्ट्स राइट साइड पर शो होंगे, उसमें से हमें जिस फील्ड के या जिस टाइप के हमें चाहिए वो हम चेक बॉक्स से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जो नहीं चाहिए उसे डीसेलेक्ट कर देंगे। यदि हम और भी ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम office.com से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, देन वी विल क्लिक ऑन गो, तो जो क्लिप आर्ट है वो इंसर्ट हो जाएगा हमारे इसमें। यदि हमें इंसर्ट करना है क्लिप आर्ट को, पिक्चर को फाइल से, तो हम इंसर्शन पॉइंट को वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ पर हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है। इंसर्ट टैब में जाके पिक्चर कमांड पे क्लिक करेंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप के, तो उसमें बहुत सारी पिक्चर्स आएंगी। यदि हमें उनमें से कोई नहीं चाहिए तो हम अलग से फोल्डर ओपन करके जहाँ हमने पिक्चर सेव की है वहाँ से भी सेलेक्ट करके इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाएगी। तो आज हमने MS Word 10 के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने टेक्स्ट बॉक्सेस के बारे में पढ़ा है, पिक्चर इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट इफेक्ट्स पढ़ा है। ओके सर, थैंक यू सो मच।